दोस्तों, आज मैं बेटी के बारे में कुछ लाइनें बोलना चाहते हैं, क्योंकि हद हो गए हैं सुन सुन के बेटी बेटी की बेटी है। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ, बेटी वे फूल है जो हर आंगन में नहीं खिलती है, हर आंगन में नहीं चहकती है। बेटी वे फूल है, बहुत भाग्य होता है। बहुत बोलते हैं कि बेटी 100 भाग्य, मतलब 100 को भाग हो तब बेटी होती है, और बेटा तो भाग से होता है, यानी 100। सोचिए कितनी बड़ी भाग से बेटी होती है। इसलिए मैं मानती हूँ कि मेरा 100 भाग अच्छा है तब मेरे को बेटी हुई है। बेटी हर किसी के नसीब में नहीं होती है, और बेटी के लिए तो दुनिया नहीं चाहता है कि मेरी बेटी हो, बट हम तो एकदम गर्व से चाहते थे। और मेरी बेटी हुई, जब मेरे सुने कि मेरी बेटी हुई है, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि दुनिया में लगता सारी खुशी मेरे को मिल गई। जब मेरी बेटी हुई थी तो लगता भगवान अब कुछ के कमी ही नहीं किए हैं, मेरे को सारे चीज़ का पूर्ति हो गया है। इतनी अपनी बेटी को, जब भी अपनी बेटी को देखती हूँ, कितना भी दुख गम हो, हर दुख गम भुला देते हैं, लगता है क्या कितनी। इसीलिए बेटी को कदर करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, क्योंकि हर बाप के नसीब में बेटी नहीं होती है, और हर बेटी के नसीब में एक पिता का रूप होता है। इसीलिए बोलते हैं बेटी 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 बहुत भाग्यशाली होती है। लोग ही तो बेटी बेटी करके बेटी को बोझ बना रखे हैं, नहीं तो बेटी क्या बोझ है? क्यों बेटी बोझ लगती है कि हर किसी को, यानी दहेज के लिए, कि बेटी को दहेज देना पड़ेगा और बेटा को दहेज लेना पड़ेगा, इसीलिए हर किसी को बेटी बोझ लगती है। ऐसा कुछ नहीं है, बेटी को इतना लायक बना दीजिए, इतना पढ़ा लिखा दीजिए कि दहेज देने के नौबत न आए। बेटा को इतना लायक बना दीजिए, इतना लायक बना दीजिए कि दहेज लेने के नौबत न आए। इसीलिए बेटी को इतना योजना चल दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को एकदम आगे बढ़ाइए, एकदम खूब पढ़ाइए लिखाइए, कि बेटी को इतना अच्छा बना दीजिए, इतना संस्कार बेटी को दे दीजिए ना, कि किसी के आगे रोने का, किसी के आगे हाथ फैलाने का ज़रूरत ना आए। क्योंकि बेटी कोई उतना ज़्यादा नहीं मानता है, ये हम जानते हैं, और हर माँ बाप मेरे जैसे हो तो बेटी को कोई बोझ ही नहीं समझ सकता है, क्योंकि परिया पालने को हर किसी के औकात नहीं होता है, बहुत किसी कम कहीं होता है। इसीलिए जो लोग बेटी को कदर नहीं करते, आज से ही बेटी को कदर करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जो बाप से, उस बाप से पूछिए जिनके बेटी है, कि कितना खुश नसीब है कि उनकी बेटी है, क्या उनको कमी है? कुछ भी, बेटी रहती है कुछ भी कमी नहीं होता है। पता नहीं भगवान क्यों ऐसे कर देते हैं कि इतना ज़्यादा खुश दे देते हैं ना। और हर माँ बाप जिनकी बेटी होती है, इतनी खुशी मनाए ना कि लगेगा कि उनके घर में एकदम से लक्ष्मी आई है, बहुत बड़ी खुशी। अब पहले लोग ज़्यादा बेटा बेटी मानते थे, पर अब बहुत कम हो गया है। बेटी को भी लोग इतने आगे, बेटा जितना आगे नहीं जा रहा उतना बेटी जा रही है, और हम ये ज़रूर मानते हैं। और मैं अपनी बेटी को इतना ज़्यादा लायती पढ़ाएंगे, इतना ज़्यादा पढ़ाएंगे, भगवान जितना मेरे को दिए उससे ज़्यादा ही करेंगे। और काश हम कहते हैं भगवान मेरे को दे कि अपनी बेटी को इतना आगे दुनिया के दिखा दे कि देखो मेरी भी बेटी है, और मैं अपनी बेटी को इतना लायक बना दूंगी कि दहेज देने के भी नमत नहीं आएगा। अब बेटा भी है मेरा, ये नहीं है, और बेटा को इतना ज़्यादा लायक बना देंगे, इतना ज़्यादा कि मेरे को दहेज लेने के भी नमत नहीं आए हैं। क्यों? बेटियाँ बोझ नहीं होती है, बेटियाँ तो एकदम क्या बताएं हम, खिलते हुए चहकते हुए वे कलिया होती है बेटियाँ। दोस्तों, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब से लगता था, हे भगवान मेरे को एक बेटी दे दे। जब तक बेटी मेरी नहीं है तब तक हम मनाते थे, और सबसे बोलते थे कि मेरी बेटी होगी, मेरी बेटी होगी, आकाश मेरी बेटी ही हुई है। और जब हम सुने कि मेरी बेटी हुई है, इतना हैप्पी थे ना, लोग तो मेरी बेटी को देखकर क्या बोलते थे, ये वे बहुत सारे, पर हमको कुछ नहीं सुनाई देता था, लगता था कि मेरे को सारी दुनिया की खुशी मिल गई है, वे मेरी बेटी है। और काश मेरी बेटी आई भी है, बहुत ज़्यादा मेरे को खुश, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है, नहीं कभी होगी भी, क्योंकि मेरे साथ इतनी क्यूट, इतनी प्यारी सी मेरी बेटी है ना, कि जो इसको हम देखते हैं ना तो लगता है कि वाह, सारे दुनिया की खुशी मिल गई है। और लोग बोलते हैं कि बेटी तो कोयला होती है और बेटा सोना है, ऐसा कुछ नहीं है, बेटी ही सोना क्या हीरा है, बेटी जो लाखों में एक होती है वे हो बेटी।
लड़का के अंग जितना आप करेगा, जितनी बेटी करती है, बेटी तो हर सुख दुख में एकदम खड़ी रहती है, जबकि बेटी पराया होकर भी पराया नहीं होती, एकदम अपने जैसा। बेटी जो भी मांगे खुशी खुशी दे देना चाहिए, ताकि बेटी को शादी हो जाए तो ये ना कहे पापा बस अब कितना करेंगे, अब रहने दीजिए। इसीलिए बेटी को कुछ चीज़ की कमी ना दीजिए, मांगने से पहले ही बेटी को दे दीजिए, ताकि बेटी फिर ये बात ना बोले बस पापा बस। वे होती है बेटी हंसती है तो लगता है कि जा चारों ओर रौनक ही रौनक आई है, जबकि हम इस बार लक्ष्मी जी के पूजा में दिवाली में पूजा उजा करके अपनी बेटी को पैर भी छुए थे कि ये मेरी लक्ष्मी हुई है, मेरे घर में इतने हम खुश नसीब हैं कि मेरी बेटी हुई है, और हम भगवान से एकदम एनी टाइम थैंक यू बोलते हैं, हे भगवान हम बहुत खुश नसीब हैं कि मेरे को एक इतनी परी सी इतनी क्यूट सी मेरे बेटी दे दिए हैं, और बेटी को हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना, इतना ज़्यादा ना कि मैं अपनी बेटी और बेटा में थोड़ा सा भी अंतर नहीं करेंगे, जितना अपने बेटा को मानेंगे कई गुना ज़्यादा अपनी बेटी को मानेंगे, कि बेटी को महसूस ना हो कि ये दुनिया क्या कर रहता है, तुमको बेटी नहीं तुम बेटा से भी बढ़ के हो मेरी बेटी, तो इतना आगे जाओ इतना आगे जाओ ना कि दुनिया को दिखा दो कि आज मेरे को कोई बेटी बोलता है कि तुम्हारे पास बेटी है, ये कुछ नहीं हम लोग को देखने ते भी रहेंगे, मेरी बेटी आगे भी जाएगी, लोग कहेंगे कि वाह एकदम, सब लोग को लगता है बेटी कुछ नहीं, मेरी बेटी मेरे लिए तो हीरा है हीरा, कौन कहता है कि कोयला है, को कहने दो दुनिया को, पर मेरी बेटी जितना मेरे लिए है उतना हम जानते हैं कि मेरी बेटी मेरे लिए क्या है, क्या बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत खुश हूँ। भगवान से कहेंगे हे भगवान हमको सबसे पहला संतान क्यों नहीं बेटी दिए, सबसे अच्छा भाग होता है जो